सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं अक्षत श्रीवास्तव की वीडियो को। मैंने उनकी वीडियो लेटेस्ट में अभी देखी थी, मेरे को उनकी बहुत अच्छी एक वीडियो लगी थी और उसमें कुछ उन्होंने एनिमेशन का यूज किया था। सो आज उसी का ब्रेक डाउन करने वाले हैं। बहुत कुछ आपको उसमें सीखने को मिलेगा, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। सो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 75% ऐसे यूजर है जो चैनल पे आते हैं, विजिट करते हैं, वीडियोस प्ले करते हैं, देखते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज यार, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी टाइप की वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो मैं अपने हेडफोन्स लगा लेता हूँ और प्ले करते हैं। हाई एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू इन्वेस्ट योर सैलरी। ठीक है, ये वाला जो एनिमेशन है ये काफी अच्छा एनिमेशन लगा था मेरे को। सो इसको किस टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट में, तो चलते हैं मेरी आफ्टर इफेक्ट में। उससे पहले दो तीन चीजें और क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पे हमें एक इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, ये बिल्डिंग की, ये 500 रुपीज, और बाकी ये हमें अपने आफ्टर इफेक्ट में मिल जाएंगे। सो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट में, और यहाँ से मैं न्यू सीक्वेंस क्रिएट करूंगा एक एक करके, और 1920x1080 ठीक है, डेली का जो सीक्वेंस है ओके करूंगा सीधा। और यहां से मैंने ऑलरेडी वो दोनों चीजें पहले से डाउनलोड कर रखी है, बैकग्राउंड रिमूव कर रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है यार। सो ड्रैग करूंगा सीधा, आपको इजीली ये गूगल पे मिल जाएंगी दोनों इमेज, ठीक है। और इससे पहले हमें टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करने होंगे, तो दोनों को मैं हाइड कर लूंगा, ठीक है। तो यहां से मैं इसको भी हाइड, इसको भी हाइड, यहां से मैं एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा, और हमें क्या लिखना होगा, इन्वेस्टिंग योर सैलरी, ठीक है, इन्वेस्टिंग योर सैलरी। सो हमें यहाँ पे लिखना होगा इन्वेस्टिंग योर सैलरी, तो मैं लिख लेता हूँ इन्वेस्टिंग योर सैलरी, ठीक है, यही लिखा इन्वेस्टिंग योर सैलरी। और यहां से मैं इसको इतना कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, इतना छोटा भी नहीं, कुछ इतना, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक शेप ऐड करना होगा, सो यहाँ पे एक शेप ऐड कर देते हैं, और इसको मेरे को करना होगा नीचे, और टेक्स्ट जो हमारा होगा इसको ऊपर करना होगा। ध्यान रहे हमारा इस शेप, ओ इस टेक्स्ट ये इस टाइम पे सेलेक्ट ना हो जब आप शेप क्रिएट करें, क्योंकि वो मास्क क्रिएट हो जाएगा। सो इस जो शेप का हमारा कलर होगा वो यही कलर होगा, और जो इन्वेस्ट योर सैलरी इसका कलर होगा वो होगा ब्लैक, ठीक है। यहाँ से हम ब्लैक सेलेक्ट करेंगे और कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा, सेम आपको यहाँ पे मिलेगा और सेम यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इतना कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। इसके बाद हमें नीचे ऐड करना होगा इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो इसको भी हम सीधा, मैं शॉर्टकट करता हूँ कंट्रोल डी, मैंने डुप्लीकेट किया इसका ही, और इसको कर दूंगा, और इसको कर दूंगा मैं इन, क्या लिखा था, इन द स्टॉक मार्केट, इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। और इसको कर दूंगा मैं इस कलर का, किस कलर का, ये वाला जो कलर है, ठीक है, इन द स्टॉक मार्केट। यहाँ पर गैप देना है, यहाँ पर गैप देना है, और इसको जो मैं ना इसका साइज मेरे को बढ़ाना पड़ेगा कुछ इतना, सेम यहाँ पे है, सेम यहाँ पे है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमें और छोटा करना पड़ेगा यार, इतना, और ये भी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। हमारे यहाँ तक काम हो गया, अब हमें इन दोनों चीजों को ऑन कर देना है जो हमने हाइड करके रखे थे, ठीक है। मैं 500 को इधर करूंगा और इस बिल्डिंग को इधर करूंगा, कुछ इस टाइप से यहाँ पे शो कराने हैं हमें ये, इसको भी मैं बड़ा कर दूंगा इस टाइप से, कुछ इतना मैं ऐड कर लेता हूँ, और इतना ये परफेक्ट है। एक बार इस एनिमेशन को दोबारा देखते हैं क्या क्या इसमें है, कुछ टाइप से वो आया, देखो ये और ये, ठीक है। ये जो 500 का नोट आपने देखा होगा, ये मूव हल्का सा रोटेट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे पहले से ही सो है, मतलब कि नीचे से सिर्फ बिल्डिंग आई। तो ये 500 का जो नोट है इसको मैं पी कर देता हूँ आर, और इसको रोटेट कर देता हूँ कुछ इस टाइप से, इस टाइप से है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी की लगा दूंगा, देन 2 सेकंड पे जाऊंगा, और इसको बस इतना करना है, ठीक है। और इसका जो होगा वो बहुत स्लो होगा ये,
पूरी वीडियो में ये हल्का सा मूव करता है बस इतना सा। और अब पी पे आऊंगा और शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करूंगा, पी पे आऊंगा और यहाँ पे पी दबाऊंगा, ठीक है। पी से दोनों की पोजिशन ऑन होगी, की लगाऊंगा और इस की को मैं थोड़ा सा इधर ड्रैग करूंगा और इसको नीचे ले जाऊंगा इतना, यानी कि ये। लेकिन ये बहुत स्लो है। और F9 प्रेस करूंगा सेलेक्ट करके और पीछे की फ्रेम ऐड करूंगा और उनको कुछ क्लोज ले जाऊंगा। ये परफेक्ट, बहुत तेज हो गया है, थोड़ा सा तेज है इस टाइप से। और ये अब मैं क्या करूंगा, इन चारों को सेलेक्ट करूंगा और अपने ग्राफ में चले जाऊंगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा इनको और इसको थोड़ा सा इधर लाऊंगा और इसको लाऊंगा थोड़ा सा इधर, ये ठीक है। सेम आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। और भी अच्छे से इसको स्मूथ एनिमेशन देने के लिए आप इसको ला सकते हो। सो सेम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे भी वहाँ पे भी। सो कुछ इतनी हमारी ये अभी तक फाइनल जो एनिमेशन बनी है वो कुछ यहाँ तक हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा आगे और प्ले करके देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये जो फॉन्ट्स है ये भी शो हो रहे हैं, नीचे से ऊपर को आ रहे हैं। तो ये हम किस टाइप से कर सकते हैं? सो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक और शेप ऐड करनी होगी और इन शेप को मैं इनको हाइड करूंगा और इस शेप का जो कलर होगा मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि हमें पता चले कि ये पूरा हमने जो बैकग्राउंड में शेप था वो ऑफ कर लिया, यानी कि छुपा लिया मैंने उसको, ठीक है। अभी मैंने उसके ऊपर ये किया है, शेप ऐड किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस शेप को ट्रैक मैट से करूंगा, इस शेप को करूंगा मैं क्या, इन्वेस्ट योर, कौन सा था वो, इन्वेस्ट योर सैलरी, ठीक है। और इसकी शेप लेयर थी ये वाली, यानी कि अगर मैं इसको हाइड करूंगा तो इन्वेस्ट योर सैलरी ये है और इसका जो बैकग्राउंड है वो स्टॉक ये था, ठीक है। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके, इन दोनों को सेलेक्ट करके और इसको ट्रैक मैट करूंगा अपने शेप लेयर पे। अब जैसे ही मैंने शेप लेयर पे इसको ट्रैक मैट किया तो क्या हुआ हमारा कि अगर मैं अब इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, ये वाली जो है और इनपे पी ऑन करूंगा, पोजीशन इनके ऑन करूंगा, अगर इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये यहीं पे ऊपर और यहीं पे इसका एक मास्क क्रिएट हो गया जो कि उसके अंदर जा रहे वो, ठीक है, नीचे नहीं आ रहे, वहीं पे वो अंदर चले जा रहे। अगर मैं इसको यहां से अनहाइड करूंगा तो ये सिर्फ इतने एरिया में आ रहा है, ठीक है, ये एक मास्क, उसका मास्क हाइड मास्क वाला काम कर रहा है। तो मैं इसको हाइड करूंगा और इनको क्या करूंगा, पोजिशन को बिल्कुल डाउन कर दूंगा, देन पोजिशन पे की लगाऊंगा और कुछ फ्रेम आगे आके इसको मैं शो करा दूंगा और उसके बाद दोनों को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा तो ये कुछ इस टाइप से आएंगे, ठीक है। बहुत स्लो है सो इसको थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा इतना, ये परफेक्ट ये। अब अगर आपको और अच्छी इसके एनिमेशन चाहिए तो आप एडिट ग्राफ पे चले जाइए, देन इसको यहां से इधर को और इसको इस पहाड़ बना दीजिए एक पहाड़ सा। सो ये बहुत फास्ट हो गया यार, फास्ट तो हो गया भाई, थोड़ा सा इसको इधर कर लीजिए यार, इसको इधर, ये इतना आप रख सकते हो, एक नॉर्मल है इतना आप रख ही सकते हो। सेम इसको भी आपको एनिमेट करना होगा, इसके लिए आप करोगे क्या कि वही करना होगा, इन द स्टॉक मार्केट है और इसका जो, इसका तो बैकग्राउंड है नहीं, तो आपको सिंपली एक और मास्क क्रिएट कर देना है। तो इस टाइप से आप ये मास्क क्रिएट कर दोगे और इसको ट्रैक करना है, इसको ट्रैक कर देना आपको, इन द स्टॉक को ट्रैक कर दोगे किससे, अपने इस वाले मास्क से। सो उससे फायदा क्या होगा, अगर आप इस इन द स्टॉक मार्केट में पी यानी कि पोजीशन पे की लगाओगे और इसको डाउन जाओगे तो एक मास्क क्रिएट हो गया। पोजीशन पे की लगा दो भाई, ये की स्टार्टिंग पे लगानी है और सेम टाइम पे आप इसको शो करा दो यहाँ पे और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके F9 कर दो और ये परफेक्ट है, ठीक है। अब इन्होंने कुछ चीजें और ऐड किया कि जो बैकग्राउंड है वो सेम टाइम पे ब्लर हुआ है, पहले से ये ब्लरी बैकग्राउंड नहीं था बट जैसे ये ऊपर आया पूरा ब्लर हो गया और डार्क सा हो गया। तो इसके भी हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन है, सबको यहां से आप क्लोज कर दो, ये हमारी फाइनल कुछ एनिमेशन बनी है। थोड़ा सा एक सेकेंड ये लेट आ रहा है तो उसको भी आप फिक्स कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। बाकी आपको, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कितना उसको स्मूथ कर सकते हो यहाँ से, ये रास्ता यही है बनाने का, ठीक है। और अब मैं बैकग्राउंड में एक चीज ऐड कर देता हूँ जो कि मैं ऐड कर दूंगा ये वाला, सिर्फ डेमो के लिए ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सबसे नीचे ये,
और स्केल पे जाऊंगा और इसको थोड़ा सा इतना बड़ा कर दूंगा, ठीक है ये है। और इसको एक तो हमें ब्लैक करना है लास्ट में, जैसे ये ऊपर आएगा ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर भी करना होगा हमें। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ से एक सॉलिड में जाएंगे और सॉलिड लेंगे हम ब्लैक कलर का, और इसको ऐड कर दूंगा मैं सबसे ऊपर, नहीं हम इसको ऐड करेंगे कहाँ पे, इन सबके नीचे, ठीक है, इन सबके नीचे ऐड करेंगे और इसके स्केल पे जाएंगे और टी प्रेस करेंगे, टी से ऑपेसिटी है, और स्टार्टिंग पे आऊंगा मैं और जीरो करूंगा इसको, ठीक है, यहाँ पे ऑपेसिटी पे की लगाऊंगा, कुछ फ्रेम आगे जाऊंगा और इसको कर दूंगा मैं कुछ इस टाइप से, और फिर F9 प्रेस कर दूंगा ये, ठीक है, सेम जैसा आपको देखने को मिला था वहां पे भी। और उसके बाद क्या करूंगा, एक एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं, तो यहां से मैं एडजस्टमेंट लेयर ले लेता हूँ। एडजस्टमेंट लेयर को भी मैं सीधा उसी के नीचे लाऊंगा, ब्लैक के ऊपर रखूंगा इसको, और यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में मैं सर्च करूंगा गोशन ब्लर, और इसको ऐड करूंगा एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर, देन स्टार्टिंग पे आऊंगा सेम टाइम पे की लगाऊंगा, देन वहां पे जाऊंगा और यहाँ से इसको कर दूंगा मैं समथिंग 5-6 जितना भी आपको करना है। सो ये, और ये हमारी फाइनल एनिमेशन बनी है, देख सकते हो आप काफी अच्छी एनिमेशन बनी है, और आप भी सेम एनिमेशन बना सकते हो और भी अच्छे तरीके से आप बना सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सैलरी ऑफ 25,000 और बाकी ये जो आ रहे हैं नोट्स इसके साथ, ये बिल्कुल इजी है, आपको वही इनकी पोजीशन मूव करानी है, देन यहाँ पे टैक्स ऐड कर देना है, फ्लिप कर देना है, और ये वाला है, बाकी ये वाला भी आप एनिमेट कर सकते हो। इसके अगर आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे तो हल्के से ग्रिड है, ग्रिड आप कैसे बना सकते हो उसके लिए भी सिंपल है, यहाँ पे आपको ग्रिड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, यहाँ से ग्रिड इफेक्ट है। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप ग्रीड इफेक्ट कैसे यूज कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ट्यूटोरियल्स के लिए। इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल मिलने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।